हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियर सनाउल्ला। दोस्तों, ये 30x50 का एक्सकवेशन प्लान है। मैंने इसका प्लान ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। ये देखिए, एक्सकवेशन प्लान है, वेस्ट फेस साइट है 30x50 का। इसमें टोटल जो है 14 कॉलम्स हैं। अब ड्राइंग देख सकते हैं, कॉलम लोकेशन और कॉलम साइज का डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। अब देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आप ये ड्राइंग और प्लान और कंस्ट्रक्शन वीडियोस मैं साथ साथ में अपलोड करता रहूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहिए और लर्न भी कर सकते हैं, और आप कुछ नया सीख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए फुटिंग वन और फुटिंग टू करके हमने सेपरेट सेट किया है। ये जो है फुटिंग वन है, फुटिंग वन का डायमेंशन देखिए 10 फीट ऐसे लेंथ है और 5 फीट है, मतलब यहाँ पे दो कॉलम है। एक जो है 9 इंच बाय 9 इंच का है और जो 9 इंच बाय 15 इंच का है, यहाँ से भी सेम है, फुटिंग वन है ये दोनों, और रिमेनिंग जो है फुटिंग टू है। देख सकते हैं पूरा जो है फुटिंग टू है, और यहाँ पे हमने C1, C2, C3 और C4 जो है कॉलम सेट किया है एज पर द लोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए अभी हम मार्किंग साइट पे कैसे करते हैं वो भी डिटेल में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम साइट पे पहुँच चुके हैं। अभी आपको हम बताएंगे मार्किंग कैसे होता है। आप मुझे प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हम मार्किंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बाउंड्री जो है हम चेक कर रहे हैं कि एंड टू एंड लेंथ और विड्थ में कितना है करके प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि नेबर साइड्स भी रहते हैं। अगर 1 इंच 2 इंच भी मिस हो जाएगा बाद में आपको बहुत दिक्कत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो है नेबर प्लॉट जो है और पीछे का प्लॉट, साइड का प्लॉट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी होता है आप प्रॉपर से चेक करना पड़ेगा। और वो रोड विड्थ भी देख लीजिए, सीवेज का विड्थ भी देख लीजिए। टोटल बाउंड्री चेकिंग करने के बाद आपको बाउंड्री जो है चारों तरफ फिक्स करना है। देखिए, हम अभी नेबर प्लॉट्स चेक कर रहे हैं, और नेबर प्लॉट चेक हो जाने के बाद हम अपना साइड चेक करेंगे। अभी हमारा साइड जो है हमने चेक कर लिया है। अभी देखिए, सेंटर लाइन मार्किंग जो है एक्सकवेशन के लिए हम स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, रॉड अभी जो है फिक्स कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप ड्राइंग को फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने आपको ड्राइंग अभी पहले दिखा दिया है। लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने जो भी डायमेंशन बताया हुआ है एज पर द ड्राइंग जो है हम अभी जो है रॉड फिक्स कर रहे हैं। प्रॉपर और एक्यूरेट होना है, माइनर से माइनर भी मिस्टेक आपको बाद में बहुत दिक्कत से फेस करना पड़ता है, इसलिए प्रॉपर चेकिंग करना पड़ता है साइट पे। चारों तरफ बाउंड्री फिक्स हो गया है, और वन साइड का जो है सेंटर लाइन भी फिक्स कर दिया है। अभी फाइनली यहाँ पे देखिए, फोर एंड हाफ इंचेस में जो है डिफरेंस आ रहा था, हमने इसलिए अभी फिर से चेक करके प्रॉपर सेट करेंगे।
आपको यहाँ पे थ्री फोर फाइव मेथड भी चेक करना है, एंगल भी चेक करना है जैसे ही बाउंड्री फिक्स होता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में भी जो आपको लाइन बनते हैं वो भी आपको एंगल चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर 90 डिग्री आना है। ये देखिए बाउंड्री भी फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे लाइन सेट कर रहे हैं। कॉलम ओरिएंटेशन भी होता है साइड पे एज पर द ड्राइंग, तो उसका भी आप ध्यान रखना चाहिए। और फुटिंग का एक्सकवेशन में प्लान जो हमने 5x5x5 देते हैं और कॉलम का साइज बिग है तो हम 6x6 भी देते हैं, तो ये ध्यान रख के आप उधर मार्क करवाना है। यहाँ पे देखिए बाउंड्री फिक्स हो जाने के बाद हम अभी एंगल चेक कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो यहीं पे फाइनलाइज करना है और सेट करना है एक्यूरेटली, 100% एक्यूरेटली करना है। ये सेट हो जाने के बाद आपको 3, 4, 5 मेथड भी चेक करना है। आपको ये कंफर्म हो गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपने 3 लिया और 4 फीट लिया और डायगोनल आपका 5 फीट आ गया है, तब आप नेक्स्ट वर्क के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मैं ये जो बता रहा हूँ फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए साइट पे बहुत हेल्पफुल है। अभी यहाँ देखिए रेत जो रिवर सैंड और चाक पाउडर मिक्स कर रहे हैं। रेत और चाक पाउडर इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि थोड़ा रेनी सीजन है, अगर बारिश का प्रॉब्लम आ गया मार्क करने के बाद तो रेत रह जाएगा, चाक पाउडर चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा रेत भी मिक्स कर रहे हैं, वरना सिर्फ आप चाक पाउडर से ही काम चला सकते हैं। ये अभी जो हमने बाउंड्री फिक्स किया है एक्सकवेशन का जो है पिट मार्किंग हो जाने के बाद आपको परमानेंट मार्किंग भी थोड़ा दूर में लेके सेट करना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम मार्किंग के लिए एक्सकवेशन पिट हो जाने के बाद, पिट एक्सकवेशन हो जाने के बाद आपको बहुत हेल्पफुल होता है, और बाउंड्री जो है वो भी प्रॉपरली फिक्स करके रखना पड़ता है अप टू मार्किंग, कॉलम मार्किंग तक, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी पिट मार्किंग हो रहा है। पिट मार्किंग का साइज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 फीट और 5 फीट हम ले रहे हैं, और 18 इंचेस 9 इंचेस का भी कॉलम है इसमें, तो उस कॉलम के लिए हम 6x6 फीट के हिसाब से मार्क करेंगे। इस वीडियो का प्लान मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और ये तो 30x50 का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन बताते जाता हूँ, ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा वीडियोस में, फर्दर वीडियोस में। आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। सिविल इंजीनियर एक बहुत अच्छा फील्ड है, आप प्रैक्टिकली लर्न कर सकते हैं देख के यहीं पे। देखिए पिट मार्किंग हो रहा है, और इसी में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, सम टैंक भी बोलते हैं इसको। जहाँ पे मैन होल नहीं होता है वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे मैन होल है इसलिए हम सेप्टिक टैंक यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अंडरग्राउंड वाटर टैंक को सेप्टिक टैंक ही समझ लिए थे लास्ट टाइम, तो इसलिए आप प्रॉपर से
देख लीजिए और सुन लीजिए कि सेप्टिक टैंक डिफरेंट है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही डिफरेंट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है ये वाटर स्टोरेज के लिए बनता है, ये देखिए साइट पे अभी पिट मार्किंग का प्रोसेस चालू है। यहाँ पे कॉलम शिफ्टिंग होता है, उसी हिसाब से आपको पिट भी शिफ्ट करके ही सेट करना पड़ता है। जब भी आप मार्किंग करवा रहे हैं तो आप मौजूद रहिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सही से वो मार्क कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको सेंट्रल लाइन से ड्राइंग जो है सेंट्रल और वर्टिकल एक्सिस से चुपके कोई दूसरे जगह पे वो कॉलम का एक्सकेवेशन प्लान कर दिए या मार्किंग कर दिए पिट का, तो नेक्स्ट बहुत फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान से मार्किंग कीजिए। ये पिट जो है नेबर प्लॉट में नहीं जाना चाहिए, अपने ही प्लॉट में रहना है। और जगह पे मैंने देखा है कि बोलते हैं कि फाउंडेशन है, नीचे फुटिंग है, थोड़ा नेबर प्लॉट में भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होना है, अपने ही प्लॉट में रखना है। आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। देखिए पिट जो है अभी फाइनलाइज होने को है। ये वर्क जो है कर्नाटक में हो रहा है। देखिए 30x50 वेस्ट फेस साइट है, प्लान में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उधर से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आते रहेंगे कंस्ट्रक्शन के, प्लानिंग डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी अपलोड करूँगा। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।